हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज आपका भाई लेकर आया एक न्यू ब्रो। और आज हम आए अटल ब्रिज जो आया है इंडिया में, लेकिन आप उसको देख के कहोगे नहीं कि ये इंडिया का ब्रिज है। और वो आया है गुजरात अहमदाबाद स्टेट के अंदर। ये पिछले 4 से 5 सालों से बन रहा था, हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होगी। तो आज आके लिए ब्रिज बन गया है। तो आज मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट बार यहाँ पर आया हूँ, और इसका ओपनिंग अभी तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ही हुआ है। तो आज हम जाएंगे ये ब्रिज के अंदर। वैसे अभी 2 से 3 दिन पहले इसके अंदर कोई भी टिकट नहीं था, पहले 3 दिन पहले ये फ्री था बिल्कुल, और अभी आज से स्टार्ट चार्ज हो गया है। तो हम आपको इसका चार्ज भी बताएंगे क्या क्या है, और चलते हैं हम चार्ज। तो अभी हम आए हैं आपको टिकट का चार्ज बताने। तो बैक साइड आप देख सकते हो सारी अंडर ब्रिज के अंदर एंटर होने का चार्ज 12+ के ऊपर जितने भी लोग आएंगे उनका चार्ज लगेगा 30 रुपये। अगर 12+ के नीचे जो भी लड़का या लड़की आ रही है उसका चार्ज लगेगा 15 रुपये, और 60+ के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका चार्ज भी सेम है 15 रुपये। और यहाँ पे सरकार ने विकलांग लोग के लिए कोई भी टिकट नहीं रखी है। तो अभी हम जाएंगे टिकट लेने, और मेरे कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ। तो अभी हम टिकट लेके आपको दिखाएंगे ब्रिज के अंदर जा रहे हैं टिकट लेने। ये टिकट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, हम कहीं से भी टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी भीड़ हो आप टिकट लाइन में इतना खड़े नहीं रहना पड़ेगा, आपके आगे 4 से 5 बंदे मिलेंगे। और आप बैक साइड देख सकते हो अटल ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। उसका व्यू अंदर जाकर हम देखेंगे कि कितना प्यारा बना है। ये बाहर से जितना प्यारा लग रहा है इतना प्यारा है कि अंदर से है। तो अभी हम लेंगे सीट हमारे पास आ गई है, आप बाहर से देख सकते हो इसका व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम चलेंगे अंदर, लेकिन हम यहाँ पे आधे घंटा बैठ कर जाएंगे, बिकॉज अंदर 30 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं है कोई भी पीपल। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अंदर। तो अभी मैं कुछ दोस्तों को लेकर आया, तो आप देख सकते हो उमर खान को भी देख सकते हो, और मेरा भाई अभी व्लॉग बता रहा है। तो अभी हम थोड़ी बातचीत करेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे अंदर। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर एंट्रेंस पे मैंने सेकंड आने का अंदर गेट देखा है, और आप नीचे से भी आ सकते हो। अगर आप नीचे वॉक कर रहे हो तो आप नीचे से भी टिकट लेके ऊपर आ सकते हो। और मैंने एंट्रेंस पे देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो गाइस, मैं स्टार्टिंग में माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी वॉइस आपको कम आ रही हो, लेकिन ये वीडियो में लगातार बने जरूर। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ कुछ स्नैक्स अवेलेबल था, फोटो में देख सकते हो यहाँ पे पिज्जा बर्गर वगैरह सब कुछ अलाव है, और वहाँ पे हेमर हाउस दिया है। तो यहाँ पर पानी की बोतल और आइसक्रीम या कोक वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ का ज्यादा हैवी खाना आपको मिलेगा नहीं, स्नैक्स छोटे छोटे मिल जाएंगे, और बाहर से खाना लेकर आना अलाव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो ये डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इसका आपको जरूर जरूर ख्याल रहे। देखो, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा आएगा कि इसका काम कितने टाइम से चल रहा होगा। गाइस, लॉकडाउन आ गया था, इसीलिए इसका काम 2 साल से बंद था। तो उसके बनने में तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो कि वहां पे चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। तो ये कितने टाइम से इसका काम चल रहा होगा आप देख ही सकते हो। लेकिन ये बहुत प्यारा व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका व्यू, वो है जमालपुर NIT ब्रिज है। अगर आप वहां से आओगे तो आपको मिडल में पड़ेगा, और आप इस साइड से भी आओगे तो आपको मिडल में पड़ेगा। वो एलिज ब्रिज है, उसको कहते हैं लकड़िया ब्रिज। आप उस साइड से भी आएगा तो आपको मिडल में पड़ेगा, और इसके बीच में मैंने सुना है कि ग्लास लगे हुए। तो चलिए वहां पर जाकर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लीजिए। गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे नीचे ग्लास है, और काफी भयानक और गंदे वाला सीन लग रहा है, मेरी काफी ज्यादा फट रही है। यहाँ पर काफी ग्लास है, और यहाँ पर आप जंप वगैरह भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को देख सकते हो कैसी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग जगह है, तो अगर आपके भी बच्चे हो तो आप एक बार जरूर उनको लेकर आए, तो वो काफी ज्यादा खुश है। एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड मिला है, तो एक छोटा सा फ्रेंड है, लेकिन इससे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पर मजा आया? आया, बहुत आया। यहाँ पर बच्चों को आने जैसा है कि नहीं आने जैसा है? आने जैसा है। तो आप मुझे कब से जानते हो? बहुत पहले से। आप कब से फॉलो कर रहे हो इसे मुझे? बहुत टाइम हुआ। कितना टाइम हुआ? वो पता नहीं। और आप कहाँ से हो? यहाँ जमालपुर से। आप भी जमालपुर से आने के, सेम एरिया से हम दोनों बिलोंग करते है ना। तो आपको कितने दोस्तों के साथ आये आप? हम 4 आज बस। 4 दोस्त आये हो, फैमिली नहीं आये हो? या के जाने के लिए? हाँ नहीं, ये उम्र में भी आप अकेले अकेले घूम रहे हो? बस यूं ही। चलो कोई बात नहीं, आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, और हम आपको फॉलो बैक जरूर देंगे, आप मुझे मैसेज करना, ओके। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पब्लिक का क्राउड है, तो मैं माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही हो। तो अगर आपको आना हो तो आप उस साइड से भी आ सकते हो, गाइस, और इस साइड से भी आ सकते हो। दोनों एंट्री पॉइंट है, तो आप कहीं से भी आ सकते हो।
और एक बार मैं बार बार कहूंगा कि अहमदाबाद में अगर आप रहते हो तो आप एक बार तो जरूर जरूर यहाँ पर अटल ब्रिज पर आना जरूर। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं कि आपने देखा है कि अंदर क्या क्या सरकार ने फैसिलिटी अवेलेबल दी है और अंदर भीड़ को वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं जल्द से जल्द बाहर आ गया और अपने अंदर देखा होगा कि वहाँ पे ग्लास और व्यू बहुत ही प्यारा दिया हुआ है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप अहमदाबादी हो या अहमदाबाद के बाहर के हो और अगर आपका अहमदाबाद आना रहा तो आप यहाँ एक बार विजिट ज़रूर ज़रूर करें। इसका चार्ज भी इतना नहीं है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 12 बरस के ऊपर की टिकट सिर्फ 30 रुपये है और 12 बरस से नीचे जितने भी हो बच्चे लोग उनके टिकट है 15 रुपये और 60 बरस के ऊपर की टिकट भी सिर्फ 15 रुपये है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट तो सरकार ने जितने भी विकलांग लोग हैं उनकी टिकट यहाँ पे फ्री दी हुई है। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना और अब हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।